हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। आज पहला हमारा क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, मतलब किसी भी माध्यम का अगर हम तापमान में वृद्धि कर रहे हैं तो प्रकाश के वेग में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही रहती। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है ये एक हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका फ़र्क किस पे पड़ता है, माध्यम के अपवर्तनांक की वजह से। माध्यम के अपवर्तनांक से फ़र्क पड़ता है कि अपवर्तनांक, ये सूत्र होता है एन व्युत्क्रमानुपाती होता है सी की, यह लिख लो सी व्युत्क्रमानुपाती होता है एन, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में वेग कम होगी, या बोल सकते हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस पर वेग ज़्यादा होगी। तो ये याद रख ले, तापमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रकाश की गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर रहता है। मतलब कोई एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ऐसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा, उसके 10 भाग है, इस द्रव्यमान के 10 भाग का 10वां पार्ट, 10 पार्ट में टूटा हुआ है ये। तो अब ये समुद्र में ऐसे पानी बह रहा है तो कितना भाग ऊपर रहता है, कितना, तो इसका एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, ये पहले भी बता चुका हूँ, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमारा वेबर, वेबर, वेबर को W से डिनोट करते हैं। और अगर चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व की बात करें तो हमारा होता है टेस्ला, टेस्ला जैसा यूनिट है, गॉस भी होता है, ये दोनों होते हैं चुंबकीय फ्लक्स 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 घनत्व के। और चुंबकीय फ्लक्स के सिर्फ वेबर होता है, टेस्ला और गॉस में एक संबंध होता है, एक गॉस बराबर 10^-4 टेस्ला होता है। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन, जो परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन होता है, यूरेनियम, यूरेनियम 92U235, ये इसका परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार है। अब क्वेश्चन आता है कि परमाणु रिएक्टर में कौन सी प्रक्रिया होती, तो इसमें हमारी नाभिकीय संलयन होता है, इसमें हमारा क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु रिएक्टर में हमारा नाभिकीय विखंडन होता है और यही परमाणु बम में भी होती है, परमाणु बम में भी इसी का यूज करते हैं, इसी यही प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन, और यही परमाणु रिएक्टर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो हमें सूर्य ग्रहण के समय हमें क्रीट, ऑप्शन बी, इसे किरोना भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कि रोना भी बोलते हैं। और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, सूर्य ग्रहण तब पड़ता है, ये जैसे मान लीजिए सूर्य है और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और बीच में हमारी क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, इन दोनों के बीच में हमारी क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो हमारा सूर्य ग्रहण पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीलियम गैस के गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। क्योंकि ये वायु से हल्की होती है, ये वायु से हल्की होती है इसलिए गुब्बारे उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से हैं। तो रेड ब्लू ग्रीन होते हैं, RGB, रेड ब्लू, लाल नीला और हरा, और यही तीन, ये तीन क्या, इनको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक कलर, प्राथमिक कलर, और इनका, इन्हीं तीनों कलर का यूज हम लोग रंगीन टेलीविज़न में भी यूज करते हैं, इन तीनों कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है। प्राकृतिक गैस किससे बनी होती है, मोस्टली इस पे 90% प्राकृतिक गैस में क्या होता है, 90% मीथेन होती है, CH4 होता है इसका सिंबल, इसका फॉर्मूला होता है CH4। और गैस होती है मीथेन के साथ, इथेन भी होता है हमारा, CO2 भी होती है, H2 भी होती है, सब होती है, लेकिन 90% मीथेन। ये कई बार पूछा भी गया हुआ है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक कौन क्या होता है, तो मीथेन। निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। आप ऑप्शन देखिए, खुद ही पता है कि लोहा, कोबाल्ट और निकल तीनों आकर्षित होते हैं, लेकिन बिस्मिथ क्या होता है, विकर्षित होता है, क्योंकि ये क्या होता है, डाई मैग्नेटिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। होता कितना है? 3.10^8 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग किसमें होता है हमारा? सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है हमारा किसमें? गैस में। फिर उससे कम होता है हमारा द्रव में। फिर क्या होता है? ठोस में। अभी जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा ठोस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, द्रव का कम होता है, और सबसे कम गैस का होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है उस पर प्रकाश का वेग अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उस पर तेज उत्प्लन होता है, क्योंकि उस पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उसमें होती है हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से प्रकाश तरंगे, इससे ये प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है इससे ये पता चलता है कि जो प्रकाश तरंग वो कैसी तरंग है? तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी इज करंट। ध्रुवण ही एक ऐसी घटना है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। आपने दो तरंगें पढ़ी होंगी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। दो तरंगें पढ़ी होंगी, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ और अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स तुम्हारी कौन सी तरंगें होती हैं? प्रकाश तरंगें, प्रकाश और ऊष्मा, ये तुम्हारी कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी हैं? ध्वनि तरंगों को बोलते हैं हम लोग, क्या अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है जो प्रकाश और ऊष्मा होती है। ध्रुवन ही एक ऐसा तरीका जिससे हम पता लगा सके कि अनुप्रस्थ है और ये अनुदैर्ध्य है। तो ध्रुवन में सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह है करेक्ट ऑप्शन है, ताप संरक्षण की पुष्टि करता है। और ऊष्मा गति का प्रथम नियम है, तो प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का करता है, और जो सुनवा नियम है वो ताप संरक्षण का करता है। सुनवा नियम ताप संरक्षण करता है, प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या है? जल। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन लगे थे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।